हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिजाना सिपा होम्योक्योर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ के बारे में, जो होने से लोग बहुत जल्दी घबरा जाता है। वो है माउथ अल्सर। मुंह के अंदर घाव होने से स्वाभाविक सा बात है घबरा जाना, लेकिन आप घबराने की कोई बात नहीं। इस वीडियो में मेरे कहे गए मेडिसिन खाइए, आपका माउथ अल्सर बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं आखिर माउथ अल्सर क्यों होता है और होने पर आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम यानी लक्षण दिखाई देगा और होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाने में हिम्मत मिले। आगे दोस्त और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करके आप वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माउथ अल्सर आखिर क्यों होता है। माउथ अल्सर मुंह के अंदर बनने वाला घाव है। ये होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे गर्म कुछ खाने से जलने के कारण माउथ अल्सर होता है, खाना खाते समय दांत से जीभ पर बाइटिंग के दौरान भी ये माउथ अल्सर होता है, और ब्रश करते वक्त चोट लगने से भी माउथ अल्सर होते हैं दोस्तों। विटामिन सी, विटामिन B12 के कमी के कारण भी माउथ अल्सर होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं अगर किसी को माउथ अल्सर होते हैं तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम यानी लक्षण दिखाई देता है। आपको अगर माउथ अल्सर होता है तो आपको चीक और टांग जहाँ भी होगा दर्द महसूस होगा। घाव के चारों ओर योलिश व्हाइट नहीं तो लाल रहेगा। खाना खाने में, पानी पीने में आपको तकलीफ होगा, और बात करते समय दिक्कतें होंगे। ब्रश करते वक्त भी दिक्कत होगा, और सावर स्पाइसी फूड खाने में भी दिक्कत होगा दोस्तों। आप चलते हैं होम्योपैथी में माउथ अल्सर के लिए क्या क्या मेडिसिन दिया जाता है। माउथ अल्सर के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवाई है दोस्तों। नंबर वन में जो रखा है उस मेडिसिन का नाम है मार्कसॉल। आपको अगर माउथ अल्सर होता है तो अल्सर देखने में रेड और मोइस्ट दिखाई देगा, दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा। रात में जो है दर्द ज़्यादा होगा, पानी का बार बार प्यास लगेगा, ठंडा पानी पीने से आराम लगेगा, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे कंडीशन में आप मार्कसॉल 30 दो बूंद करके सुबह, दोपहर और रात में पिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों मार्कसॉल। बहुत ही जल्दी माउथ अल्सर ठीक हो जाएगा दोस्तों। नंबर दो, बोरैक्स बेनिटा। अगर आपको माउथ अल्सर गर्म महसूस हो और बहुत ही सेंसिटिव रहे, पूरा मुँह सूख जाए, हाथ लगाने से दर्द हो और हाथ लगाने से ब्लीडिंग हो, उस कंडीशन में बोराक्स बेनिटा 30 बहुत ही अच्छी दवाई होगा दोस्तों। बोराक्स 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार पिए, सुबह, दोपहर और रात में, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपका माउथ अल्सर बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा दोस्तों। नंबर 3, आर्सेनिक एल्बम। माउथ अल्सर को लेकर बहुत ही चिंतित हो पेशेंट, हमेशा सोचे कैंसर तो नहीं हुआ है, खराब बीमारी तो नहीं हुआ है, ये सब ख्याल उनके मन ही मन में आता रहे। माउथ अल्सर के वहाँ बर्निंग सेंसेशन हो, दर्द हो और गर्म पानी से पीने से आराम लगे, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो, रेस्टलेसनेस सा लगे, और सब कंप्लेन ठंडा पानी पीने से भरे, ये सब सिम्टम दिखने को मिले, तो आर्सेनिक एल्बम 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार पिए, सुबह, दोपहर और रात में, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आपका माउथ अल्सर बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा दोस्तों। टिप्स के तौर पे और एक मेडिसिन बता देना चाहता हूँ। अगर आपको चीक या टंग कहीं पे भी दांत से खाना खाते समय बाइट हो, तब आपको स्टिकम 30 दो बूंद करके पिए 2-2 घंटे में, जब तक आराम ना हो। दर्द आराम होने पर आप मेडिसिन बंद कर दीजिए।
कहे गए मेडिसिन सिम्टम के साथ मैच करके पीने से बहुत ही जल्दी माउथ अल्सर ठीक हो जाता है दोस्तों। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता हो तो नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर के साथ बात करके मेडिसिन को पीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि किसी और को भी वीडियो देखने को मिले और उनको थोड़ा नॉलेज भी गेन हो। होम्योपैथिक रिलेटेड, डिजीज रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए मेरे जना सेपा होम्यो की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।